नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने अपने अध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में नागपुर जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर को ज्ञापन सौंपा और घूसखोर राहुल जाधव नामक अधिकारी की शिकायत की। वसीम खान ने बताया कि जाधव कास्ट सर्टिफिकेट पास कराने के नाम पर सेतु केंद्र वालों से पैसे डिमांड करता है। हर एक सर्टिफिकेट पे दस्तखत करने के 500 रुपए लेते हैं। पैसे ना देने पर 1 से 2 महीने तक काम पेंडिंग हो जाता है और घूस लेने पर आधे घंटे में काम होता है। खान ने कहा कि हमें कहीं सेतु केंद्र से राहुल जाधव की शिकायत आई है। कई सेतु केंद्रों वालों का कहना है कि हमारे पास सर्टिफिकेट बनाने आए लोग इतने पैसे नहीं देते हैं जितने अधिकारी हमसे डिमांड करने आते हैं। निवेदन के साथ ही 2 पेज जोड़ दिए गए हैं, जिसमें एक राहुल जाधव की तरफ से सेतु केंद्र वाले को पैसे डिमांड करने के मैसेज है, दूसरे में राहुल जाधव के नंबर पर 3,000 रुपए का ट्रांसफर किया गया है। इस पर जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन ने तुरंत अपने कर्मचारियों को बुलाया और राहुल जाधव के बारे में पूछ शुरू कर दी। बहरहाल इस पर जिलाधिकारी ने घूसखोर अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष रमन कलवाले, मध्य नागपुर ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल पट्टम, मदन गौर, गुड्डू आसिफ, फिरोज खान, क्षितिज साखरे, जिशान, विजय सरफराज, सैयद अद्दू आदि लोग उपस्थित थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वसीम खान, मैं नागपुर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष हूँ और आज हम लोग यहाँ कलेक्टर ऑफिस आए हैं। कलेक्टर ऑफिस में यहीं के एक अधिकारी जिसका नाम राहुल जाधव है, राहुल जाधव सेतु केंद्र वालों से एक एक कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए 500 रुपये घूस मांगता है और जो 500 रुपये घूस नहीं दिया उनकी सर्टिफिकेट नहीं बनती है, एक एक दो दो महीने के लिए वो साइड में रख दी जाती है। कई सेतु केंद्र वालों की हमको कंप्लेन आई है, लेकिन उनका बोलना है सर हमारी यानी ID आइडेंटिटी हमारी छुपाओ, नहीं तो इन लोग हम लोगों पर कार्रवाई करेंगे और उसको बचा कर रखेंगे। तो आज हम लोग यहाँ कलेक्टर ऑफिस में मिलने आए, हम मेरे साथ रमन जी, अकल वाले गोपाल पट्टम जी, मदन गौर जी, साजिद भाई, हम लोग सब आए थे यहाँ पे। हम डॉक्टर विपिन नागपुर शहर जिला अधिकारी इनसे मिले, उनको इनकी यानी पूरी शरारतें जो घूस लेते हैं और जो ब्लैकमेल करते हैं और ये गूगल पे और ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट मंगवाते हैं, व्हाट्सएप पे चैट कर ये आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप पे चैट कर ये मांगते हैं पैसे के। 6 केसेस बचे हैं, 6 केसेस के 3,000 डालो, 4 केसेस बचे हैं 2,000 डालो। ये देखिए 3,000 इनके राहुल जाधव इनके अकाउंट में गए। तो इनसे इनकी हमने कंप्लेन की है अभी डॉक्टर विपिन को, सर ने हमको रुकाया और दूसरे अधिकारियों को बुलाकर ये राहुल जाधव कौन है इसका पता लगा बोला। तो थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कोई EGF सेक्शन वाला राहुल जाधव है, तो हमको सर ने दिलासा दिलाया है तो मैं एक्शन लूँगा और अगर से एक्शन नहीं होता है तो हमने बोल कर आए हैं तेरा आंदोलन होगा और हम ये चीज़ ACB में भी दे सकते थे एंटी करप्शन में, हमने बोला है सर अगर से नहीं हुआ। और भी अधिकारियों का बोलना है कि इसकी पहले भी तकरार आई है, तो जब इसकी पहले तकरार आ रही है राहुल जाधव की तो इसको सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा। हमारी यही मांग है कि इस पर तत्कालीन ये घूसखोरी रोकी जाए यहाँ पे और इसको तुरंत सस्पेंड कीजिए। धन्यवाद। NBC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।